हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने एटम वर्क के दो फ़ैन मंगाए हैं, जो कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल थी अभी उसमें लिए हैं। और ये एक फ़ैन मुझे 3800 का पड़ा है, जबकि इसकी प्राइस 5890 है। ये 1400 mm में है, 56 इंची में, जो अपने साइज में सबसे बड़ा है। इससे बड़ा फ़ैन नहीं आता। ये मेड इन इंडिया है और इसमें रेगुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता, जो नोट भी लगा हुआ है कि इसमें रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। ये रिमोट से चलता है, तो इसको हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको बताएंगे ये कैसे चलता है, क्या से काम करता है, अपन देखेंगे और आपको मंगाना चाहिए कि नहीं। इसको ये अब इसकी अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये आपको लेना है या नहीं लेना है। फाइनल रिव्यू करके देंगे पूरी तरह। ये देखिए अब इसमें क्या क्या निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये फैन मोटर है और ये इसके पंखड़ी हैं। तो अब अपन पंखड़ी देखते हैं कैसी हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ़ैन है, 56 इंची फ़ैन है ये, 1400 mm। तो देखते हैं इसकी पंखड़ी कितनी बड़ी है, कैसी है। ये देखिए काफ़ी बड़ी पंखड़ी है इसकी। ये मैट ब्राउन में है, जो इसका कलर ही मैट ब्राउन है, और पंखड़ी भी बड़ी है। काफ़ी हल्की हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत कम खाते हैं, इसलिए पंखड़ी तो हल्की रहती हैं इसकी, लेकिन लंबी है और मजबूत भी है। अब अपन फैन मोटर देखते हैं। ये देखिए ये फैन मोटर है, और अब इसको ओपन करते हैं अपन, इसमें क्या क्या है। आजकल एटम वर्क फैन का ज़माना है, काफ़ी चल रहे हैं। ये BLDC मोटर में है, BLDC मतलब बहुत कम बिजली खाती है। ये देखिए इसके संग क्या क्या है, ये इसका इंस्ट्रक्शन बुक है, उसके साथ ये उसकी फैन ऊपर लटकाने वाली रॉड है, ये इसके नट एंड बोल्ट हैं, बड़े कायदे से दिए गए हैं पैक करके। ये देखिए ये ऊपर फैन में लटकाने, ये जब अपन जब इंस्टॉल करेंगे इसको तब देखेंगे इस ढंग से इसमें लगाया जाता है। ये इसका रिमोट है, ये देखिए ये इसमें स्पीड दी गई है 1 2 3 4 5। ये इसमें दो कवर दिए गए हैं ऊपर, ये इसमें सिक्योरिटी तार रहता है, जो कि आपका पंखा अगर बोल्ट लूज भी हो जाते हैं तो पंखा नीचे नहीं गिरे, इसलिए BLDC फैन में दिए जाते हैं वायर। और ये इसका फैन मोटर है, देखिए छोटा है, काफ़ी अच्छा है। अब अपन इसकी स्पीड देखेंगे, इसको इंस्टॉल करके। ये इसमें दो सेल भी हैं जो कि रिमोट में लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब अपन इसमें पंखड़ी इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इन पेचों को खोलना पड़ेगा, इस ढंग से आप इन पेचों को खोल लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं कट नहीं करना चाहता, जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए।
ये देखिए इस ढंग से इनको लगाना है। इसमें बाइशर का ध्यान रखें आप। इस ढंग से पेच लगा देंगे हम। ये मात्र 28 वाट एनर्जी खाता है, जो कि बहुत पावर सेविंग है, जबकि 56 इंची फैन 80 से 90 वाट खाते हैं। तो एनर्जी के मामले में ये बेमिसाल है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, तो फिर आदमी क्यों ना ले इसको। तो मैं इनको तीनों पंखड़ियों को इंस्टॉल कर लेता हूँ और थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपनी पंखड़ियों को कस दिया है। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखें, पंखड़ियों को अच्छे से कसें, क्योंकि अगर पंखड़ी लूज रहेंगी तो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्पेस सिक्योरिटी के लिए लगा है, इसको निकाल दीजिए। अब आपको दो तारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारे ये दो तार हैं। इस ढंग से आप इनको दो तार ले लीजिए एक साइज के, और इनको अच्छे से छील लीजिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से छील लिए हैं, नेटिनी कर लीजिए इस टाइप से। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी रॉड की, तो ये हमारी रॉड है, इसको आप इस ढंग से निकाल लीजिए और इसमें इन दोनों तारों को यहाँ से डालिए। इसमें देखिए ऊपर वाला बोल्ट आएगा हमारा, तो आप इसमें इस ढंग से इन दोनों तारों को डाल लीजिए। ये देखिए, और इसमें ये नीचे वाला बोल्ट आ जाएगा। तो हम अब अपने बोल्ट निकाल लेते हैं और इनको कस देते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जो कि हमारा सिक्योरिटी तार जो तार है उसको भी आपको लगाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये इसके बोल्ट हैं, अब अपन इनके पेचों को लगाते हैं। ये देखिए आप, इसमें इस टाइप की ये क्लैंप रहती हैं जो नॉर्मल फ़ैन में रहते हैं। ये सब कुछ नॉर्मल फ़ैन जैसा ही है, बस खाली इसमें ये एक सिक्योरिटी वायर अलग से दिया गया है, बाकी पूरे कनेक्शन वैसे ही हैं। तो इसको अपन इस ढंग से निकाल लेते हैं, जो कि अपने नॉर्मल फ़ैनों में भी रहता है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो ये इस टाइप की ये पिन रहती हैं, इन पिनों का ध्यान रखना है। ये पिन पंखे में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब पंखा चलता है तो कई बार पेच खुल जाते हैं और पंखा गिर भी सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बोल्ट इस टाइप से आपको खोल लेने हैं। तो देखिए इनको इस ढंग से निकाल लीजिए, और ये अब आपको जो इधर वाला ये है, इधर से आपको इस ढंग से लगाना है। ये मैंने ऐसे लगा दिया है, इसके बाद इसको लगा देना है, इसके बाद इसका बाइशर लगा देना है, और ये दो जो बोल्ट दिए हुए हैं इनको अपन को टाइट कर देना है। अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए, उसके बाद हम इस पिन को लगा देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, इस ढंग से आपको इस पिन को लगा देना है।
उसके बाद जब ऐसे पिन लग जाए तो इसका एक हिस्सा अपन उठा देते हैं जिससे पिन फंस जाती है। ठीक है, ये देखिए पिन फंस गया। अब इसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ है BLDC फैन में, जो इसको दूसरे फैनों से अलग बनाती है, वो है ये इसका जो ये वायर है, जो कि विशेष सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपका पंखा अगर बुल्ट निकल भी जाए या कोई वजह हो तो पंखा टंगा रहता है आपका। ये देखिए, तो ये अपन देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये इसमें मेन फीचर है, बाकी पूरा नॉर्मल फैन की तरह ही है। हाँ, अब अपन इसको खोल लेंगे। ये देखिए इस ढंग से, और इसको निकाल लेंगे और इसको जो यहाँ से इसको अपन डालेंगे इसमें से। फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस वाले पाइप को लगाएं, उससे पहले आप इस वायर को डाल लें, और क्योंकि ये पहले अगर आप पाइप लगा लेंगे तो ये लगने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए इस ढंग से इस पाइप को, तार को ऐसे डाल देना है इसमें। ये देखिए, ऐसे ये इससे ऐसे लटक जाता है। ठीक है, अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। ये इस ढंग से आपको डाल देना है, और अब आप ये देखिए, और यहाँ इस टाइप से हम इसके अब पेचों को लगा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ आपको इस ढंग से इसको डाल देना। ये देखिए, और यहाँ अब हम इन वाइशर लगा के इन पेचों को कस देंगे। ये इसको अच्छी तरह से टाइट भी कर देंगे। ये एक और बोल्ट भी लगा देते हैं इसमें। ये देखिए, इसके बाद हम इस पर क्लैंप लगा देंगे। ये है इसकी पिन, इस पिन को अपन लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस ढंग से इन पिनों को मोड़ देंगे जिससे निकले ना। अब हम इन दोनों तारों के कनेक्शन कर देंगे, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे होंगे, जो हमने अपने तारों को छीला था उन तारों को अपन ऐसा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ हम इनको खोल लेंगे। देखिए इस टाइप से लगा देना है। देखिए ऐसे टाइट कर दी।
हिला के देख लीजिए, लग चुका है। ऐसे हम ऊपर वाले को भी पूरा तरह लूज कर लेंगे। अब हम इस वाले तार को भी लगा देते हैं इसमें। ये देखिए इस ढंग से लगा देना। इसके लिए आपको एक छोटे टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लीजिए, अब आपका ये फैन लटकने के लिए तैयार है। अब आपको इनको लगाना है दोनों को। उसके लिए आप ये मैंने तार पहले थोड़े गलत डाल लिए, इनको आप ऐसे कर लीजिए, बाद में निकालने पड़ेंगे। आप इनको पहले ही डाल लीजिएगा इसमें। तो ये मैंने इनको ये इस ढंग से डाल लिया है। अब आप इसको इनमें कर लीजिए इस ढंग से। ये देखिए, ये देखिए इस ढंग से लग जाता है। और ये एक ऊपर लग जाएगा। ये देखिए ऐसा हम इसको बाद में टाइट कर देंगे ऊपर नीचे करके। अब ये देखिए आप इसको, इसमें खाली ये इस ढंग से लगाना है जिससे फैन लटकेगा, और उसी में से इस वायर को निकाल के जो हमारा कुंदा है उसमें चारों तरफ से इसको लपेड़ करके और इन क्लैंपों को कस देंगे। तो ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और थोड़ा इसको पॉश कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने इनको इस तार में इसमें से निकाल लेंगे, इसमें बुल्ट आ जाएगा। तो ये मेरे से पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन अब अपन अपनी मिस्टेक सुधार लेते हैं। ये लीजिए, सुधर गई मिस्टेक। ये इस ढंग से, ये देखिए इसमें से ये तार निकल आएगा और इसमें ये क्लैंप लग जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसी ढंग से अपन इन तारों को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने दोनों तार निकल आए। अब इसमें इस ढंग से इनको फंसा देंगे, कुंदे में फंसा देंगे पहले हम अपन, और उसके बाद अपन इन क्लैंपों को लगा देंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपने BLDC फैन को लगा दिया है। इससे इसको ये देखिए अब चालू करते हैं। ये देखिए, ये इसकी 1 स्पीड है।
ये इसकी 2 स्पीड है और ये इसकी 3 स्पीड है, ये इसकी 5 स्पीड है देखिए, और ये इसका बूस्ट है। और जब आप इसको एक बार और दबाएंगे तो ये और तेज स्पीड हो जाएगी, बूस्ट पकड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख ही रहे होंगे, हवा भी काफ़ी आ रही है, अच्छा खासा तेज है। तो फ्रेंड्स अच्छा है, फ्रेंड पंखा लेना चाहिए, एनर्जी बिजली कम खाता है। ओके धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। धन्यवाद।